नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नए साल 2020 से पहले नमक के ऐसे खास उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें करने से साल 2020 पूरा साल हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत बनी रहे और पैसे की कभी भी कमी ना हो, उसके बारे में ऐसे उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो जाए तो भी नुकसान। दोस्तों, 2019 अभी ख़त्म होने को जा रहा है, कुछ ही दिनों में नए साल 2020 का स्वागत किया जाएगा और हम नए साल में प्रवेश कर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, साल 2019 की असफलताओं को, साल 2019 की नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को हम साल 2019 में ही छोड़कर अपने घर परिवार और आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाकर अपने आप को एक सफल व्यक्ति बनाएं और घर में कभी भी किसी भी प्रकार की जो पिछले साल की जो गलतियां थी, पिछले साल का जो भी आपका नुकसान हुआ है वो साल 2020 में ना हो और साल 2020 आपके लिए बहुत सुखमय और समृद्धिशाली गुजरे, उसके लिए हम नमक से जुड़े खास उपाय बताने जा रहे हैं आपको। तो आप इस वीडियो को अंत तक और पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ हो और इस वीडियो का अनादर भी ना हो। दोस्तों, नमक हमारी आयु बढ़ाता भी है और नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको नमक को खाने में प्रयोग करने के बारे में नहीं बताएंगे, नमक का किस प्रकार से उपयोग होता है हमारी ज़िंदगी में उसके अंदर बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्रमा का और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्रमा और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो तो इसका मतलब ये है, वापस सुन लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि नमक जो होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है और स्टील या लोहे की जो चीज़ होती है वो होती है शनि का प्रतीक। जब हम नमक को स्टील या लोहे की चीज़ में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, इससे आपके लिए रोग और शोक का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, नमक को कभी भी स्टील या फिर लोहे के बर्तन में कभी ना रखें। नमक को दोस्तों किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। आप प्लास्टिक जो कांच का संश्लेषण होता है उसमें आप रख सकते हैं, नमक को कांच के पात्र में रखने से बुरा असर नहीं देता है। दोस्तों, नमक का जो गिरना होता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो। लगातार आपने नमक में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक जो किसे बोलते हैं, या आप समुद्री नमक बोल दीजिए, उसे पोछा लगाने वाली बाल्टी में डालकर उसे मिला देना है। आपने अच्छी तरह से उसे मिला लीजिए और उसके बाद अपने पूरे घर में आप पोछा लगा दीजिए। दोस्तों, इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ जाती है। इससे जो घर में पिछले साल की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हुई थी उसकी तरह घर में वो दूर चली जाती है, उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, जिससे माता लक्ष्मी का आपके घर में ठहराव रुक बढ़ता है और लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलता है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। वहीं दोस्तों, घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए, धन का प्रवाह बनाए रखना कि जैसे घर में पैसे जैसे खर्च हो रहे हैं तो उतने घर में पैसे आने भी चाहिए, इसलिए धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेना है आपने और उस कांच के गिलास को लेकर उसमें पानी और नमक को मिला लेना है, घोल देना है अच्छी तरह से। और दोस्तों, आपके घर के
नेतृत्व कौन में उसे रख देना है। दोस्तों, अगर किसी को नेतृत्व कौन समझ में नहीं आ रहा है तो आप गूगल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारे भारतीय कौनों के बारे में और शास्त्रों के अनुसार जो कौन होते हैं उसमें आपको समझा दिया जाएगा। और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा देना है। नमक के गिलास को कोने में रखकर उसके पीछे एक लाल रंग का एक बल्ब लगा देना है। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को अच्छी तरह से वापस साफ करना है। धो धाकर एकदम साफ करने के बाद वापस से नमक मिलाकर पानी से भरकर उस कोण में रख देना है। दोस्तों, इससे घर में धन का प्रवाह बढ़ जाता है और धन में पूरे साल 2020 में आपको धन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। वहीं दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसको दूर करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तु दोष जो होता है वो दोस्तों कई प्रकार ऐसे होते हैं कि हमें उपाय लोग करने को बोलते हैं लेकिन वो उपाय होता नहीं है। तो दोस्तों, आपको मन में खिन्नता, भय और चिंता होने लगती है, तो आपको उसको ख़त्म करने के लिए सप्ताह में 1 से 2 बार अपने दोनों हाथों में साबुत नमक, यानी कि जो समुद्री नमक होता है, उस नमक को दोनों हाथों में मुट्ठियां भरकर सीधे खड़े हो जाना है दोस्तों, और उसमें कुछ देर रखना है। 15 मिनट तक आपने अपने हाथ में उस नमक को रखना है, फिर आपके वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। उस नमक को इधर उधर फेंकना नहीं है, आपके घर के वॉश बेसिन में जहाँ आप हाथ धोते हो वहाँ पर उसको डालकर पानी से बहा दें। उससे दोस्तों आपके अंदर भय, खिन्नता, चिंता सभी प्रकार से आप मुक्त होते हैं और आप में एक सकारात्मक माहौल बनता है और आपको काम करने का नज़रिया आपका बदल जाता है। दोस्तों, आपको अगर बार बार बाधाएं आ रही है तो दोस्तों आपके बाथरूम जो होते हैं उससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। बाथरूम से और टॉयलेट से दोष मुक्ति के लिए आपने नमक के छोटे से उपाय करके भी बचा जा सकता है। दोस्तों, नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक, समुद्री नमक जो होता है उसे लें और इस कटोरी को बाथरूम में रख दें। एक कोने में आप उस कटोरी को रख देना है। इस उपाय से भी आपके घर में जो वास्तु दोष हुआ है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वो दूर हो जाती है। दोस्तों, उस कटोरी को हर माह उस कटोरी को बदल देना है और पुराने नमक को बाथरूम में पानी के साथ बहा देना है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट, यानी आप जो दरदरा नमक होता है उसको भरकर टॉयलेट में रख दें और 15 दिन बाद बदल दें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व दिशा में है तो उसके दरवाजे पर एक लॉयन का फोटो लगा देना है। ऐसा करने से भी दोस्तों आपके घर में आ रहे वास्तु दोष संबंधी जितनी भी समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब मैं नमक से जुड़ी कुछ सावधानियां बता रहा हूँ जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन थोड़ी अच्छी बातें हैं। जब हम भोजन पकाते हैं तो उस समय हमें भोजन को चखना नहीं है, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, अगर नमक कम हो जाएगा तो उस नमक को बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन का नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखना चाहिए, या भोजन भगवान को आरती पूजन वगैरह करने के बाद ही उस भोजन को चखना चाहिए। उससे पहले जब आप भोजन बनाएं तो उसे चखें ना। दोस्तों, नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसे दोस्तों आपस में लोगों के संबंध खराब होते हैं। उस नमक के पैकेट को आप उसके जस्ट सामने रख दीजिए और वो उस वहाँ से उठा लेगा। वहीं दोस्तों, जैसे यदि कोई आदमी का व्यवहार पसंद नहीं है, कोई क्रूर व्यक्ति है, तो उसके घर का नमक न खाएं, उसका आप मीठा खा लें। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक कभी भूल कर भी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके व्यवहार में उसकी बातें भी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हो,
जो धर्म कर्म के कार्य करता हो, जो गरीब व्यक्तियों के प्रति दया का भाव रखता हो, बच्चों के प्रति प्रेम रखता हो, ऐसे आदरणीय व्यक्ति का नमक ही खाएं तो कम से कम हमारे गुणों से हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। हमारे घर के आसपास, हमारे शहर में, कस्बे में या हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं। तो दोस्तों, नए साल की शुरुआत करने से पहले आप चाहें तो एक दो जितने मर्जी लोगों को आप गर्म कपड़े दे सकते हैं। अगर आप नए कपड़े नहीं खरीद कर दे सकते तो कम से कम आप अपने पुराने कपड़े उन गरीब लोगों को दें, ताकि उन लोगों की सर्दी की वजह से जान न जाए। तो आप कम से कम इतना ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य भेजें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।